नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ में आई हुई बम्पर भर्ती के बारे में। दोस्तों सीआरपीएफ में जो है आप लोग का 9000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पे नई बहाली निकल के आ रही है, जिसमें कि अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन आवेदन भी आप लोग का शुरू कर दिया गया है। तो आज के इस ब्लॉग को हम जानकारी देने वाले हैं कि कहां से आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन कौन सा आप लोग का पद रखा गया, किस तरीके से आप लोग वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आप लोग को पूरी प्रक्रिया यहां पे बताने वाला हूं। तो अगर आप जो सीआरपीएफ बहाली में आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका रहने वाला है और आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। साथ में दोस्तों इसमें जो आप लोग का पद रखा गया है वो आप लोग का छोटा छोटा पद यहाँ पे रखा गया, जैसे कि आप लोग का कुक का पद हो गया, ड्राइवर का पद हो गया, यहाँ पे सफाई कर्मी का पद हो गया और इसी प्रकार का आप लोग का जो छोटा छोटा पद होता है वही आप लोग यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि अगर आप मैट्रिक पास है तो आप आवेदन कर पाइएगा। कहां से आपको आवेदन करना है सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे रेड कलर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सीआरपीएफ वैकेंसी के बारे में जानने के लिए और इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में टाइप करना होगा YTDC। आप यहां पर जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना और इस वेबसाइट पर आप लोग को चले आना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहां पर लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट जॉब में आपको चेक करना है, थोड़ा सा नीचे चेक कीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। तो इस पे आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो पोस्ट है वहां पे ओपन हो जाएगा। आपको नीचे करना है, यहाँ पे मैंने जो बहुत सारा जानकारी दे रखा है इस बहाली के बारे में, सारा जानकारी आप लोगों को दे रखा है। 27 तारीख को यानी कि कल से आप लोग का ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है और 25/4/2023 तक यानी कि 25 अप्रैल तक आप लोग यहाँ पे जो आवेदन है उसको यहाँ पे कर पाइएगा। फिर नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जो जनरल OBC और EWS के छात्र हैं उनको यहाँ पे 100 रुपया जो है पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फी के रूप में, और यहाँ पे जो SC ST फीमेल होंगे उनको यहाँ पे कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का पोस्ट के बारे में जानकारी दिया गया। टोटल आप लोग का जो पद है वो आप लोग का टेक्निकल और ट्रेड्समैन का यहाँ पे जो पद रखा गया है उसमें जो टोटल 9212 पदों पर आप लोग का जो बहाली है वो यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसमें कि 9105 पद आप लोग का मेल के लिए है यानी कि पुरुष के लिए है और 107 जो आप लोग का है वो फीमेल के लिए यानी कि महिलाओं के लिए आप लोग का पद रखा गया है। फिर आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग का कुछ और पद रखा गया, जैसे कि यहाँ पे पायनियर विंग का एक अलग से आप लोग का पद रखा गया, जिसमें कि आप लोग का 3 अलग अलग तरीके का पद है, जिसमें कि आप लोग का कितना कितना पोस्ट है वो आप लोग यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया, तो सभी में लगभग जो है आप लोग का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक यहाँ पे मांगा गया, यानी कि अगर आप 10th पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में जिस तरीके का आप लोग यहाँ पे बहाली है, मान लीजिए ड्राइवर का बहाली है, तो इसमें जो है आप लोग का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लोग का मांगा जाएगा। तो इस तरीके का आप लोग यहाँ पे जो कुछ टेक्निकल जो डिग्री होता है वो आप लोग यहाँ पे मांगा जाएगा। तो अगर आप 10th पास हैं और आपके पास जो है कुछ अलग से यहाँ पे डिग्री है किसी भी प्रकार का तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इसमें जो पद है वो आप लोग का रखा गया है। फिर आप सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलता है और यहीं पे जो है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, क्लिक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। फॉर लॉगिन का ऑप्शन है, यहां से जो है क्लिक पे क्लिक करके आप लॉगिन कर पाइएगा और यहाँ पे चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग का नोटिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा, आप लोग का नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को पूरा डिटेल दिया गया कि किस तरीके से ये बहाली आया हुआ है, कितना कितना आप लोग का पद है, मेल के लिए कितना पद है, फीमेल के लिए कितना पद है, कौन से स्टेट में कितना पद रखा गया, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे देख लीजिए कि अलग अलग जो आप लोग का पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया और यहाँ पे आप लोग का जो राज्य है उसके बारे में जानकारी दिया गया। मान लीजिए बिहार में जो आप लोग को ड्राइवर की बहाली के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पे देख लीजिए कि ड्राइवर का जो पद है वो 177 यहाँ पे जो पद है वो बिहार के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से आप लोग का पूरा जो है मेल के लिए वैकेंसी बताया गया, फिर नीचे की जगह तो यहाँ पे फीमेल के लिए वैकेंसी बताया गया। सारा कुछ आप लोग का जो पूरा डिटेल में है इसमें आप लोग का बताया गया, कितना क्या आप लोग का यहाँ पे जो रिलैक्सेशन रहने वाला है, क्या आप लोग का एज लिमिट रहने वाला है, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया। 21 से 27 साल आप लोग का मिनिमम जो है एज लिमिट यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आप नीचे की जगह तो यहाँ पे जो आप लोग का छूट मिलता है वो छूट भी आप लोग को दिया जाएगा और सारा जानकारी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कहां से करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो फिर से इसी वेबसाइट पे आना है, यहां पे इंपोर्टेंट लिंक्स में जो है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, क्लिक है पे आपको क्लिक करना है। क्लिक है पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट है वो यहां पे ओपन हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, यानी कि इस बहाली के बारे में डिटेल में मैंने जो है पहले वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आप लोगों को पूरा जो है बहाली के बारे में डिटेल से समझाया है। इसमें मैं जो है आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई के बारे में बता रहा हूं। तो आप यहां पे नीचे कीजिएगा तो यहां पे सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले अपना जो पोस्ट का नेम है वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि आप जो किस पद के लिए यहां पे आवेदन करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं जो यहां पे पेंटर के लिए आवेदन करना चाहता हूं, यहां पे पेंटर आप लोग का है, पेंटर पे आप टिक कर दीजिएगा। फिर आप लोग यहां पे पोस्ट कोड है तो ऑटोमेटिक आप लोग का पोस्ट कोड आ जाएगा। यहां पे आप लोग को फुल नेम लिखना है, जो भी आप लोग का नाम रहेगा वो आप
आप लोग को यहाँ पे लिखना है, जिसके मैं यहाँ पे पूरा नाम अपना लिख रहा हूँ। फिर आप लोग को नीचे करना है, जो भी आप लोग को मैट्रिक में नाम रहेगा वही आप लोग को लिखना है। फिर अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर से आप लोग को मोबाइल नंबर डालना है, और अल्टरनेट अगर कोई और मोबाइल नंबर है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आप लोग को ईमेल आईडी डालना है, फिर से अपना ईमेल आईडी डालना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना है, और ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आप लोग को डालकर जो है यहाँ पे री वेरीफाई पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग यहाँ पे वेरीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे आप लोग का लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग का आ जाएगा, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। जो भी आप लोग का यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा आपके मोबाइल नंबर पर, मैसेज में मिला होगा और ईमेल में भी आ गया होगा, तो दोनों जगहों में से कहीं भी ले सकते हैं। और अगर नहीं आया तो फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप फॉरगेट कर पाइएगा। फिर आप लोगों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर ये कैप्चा डालकर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, और आगे जो है आप लोग का फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म जो है फिल कर पाइएगा। तो ये जो है आप लोग का फॉर्म फिल करने का पूरा प्रक्रिया है, मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। अगर आप जो है इन सभी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप जो है अगर मैट्रिक पास, ये आपके लिए सुनहरा मौका है, आप जो है सीआरपीएफ की बहाली में आवेदन कर पाइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।